दिनेश कार्तिक फिर से करेंगे क्रिकेट में वापसी। इस बार आईपीएल में नहीं साउथ अफ्रीकन टी20 लीग में नजर आएंगे और ऐसा करने वाले वो पहले इंडियन बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दिनेश कार्तिक के साउथ अफ्रीका टी20 लीग में खेलने को लेकर। 2024 में आईपीएल में आखिरी बार खेला था, यानी इस साल उन्होंने जो सीजन खेला आरसीबी के लिए वो बहुत ही कमाल का सीजन था। अच्छी बैटिंग की थी, काफी कुछ मैचों में उन्होंने एक फिनिशर की भूमिका निभाई थी और आपको याद होगा एक मैच में रोहित शर्मा यानी मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच खेल रहे थे और बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, तो रोहित ने कहा वर्ल्ड कप आने वाला है। वो वीडियो बहुत ट्रोल हुआ था, बहुत वायरल हुआ था उनकी बैटिंग को देखकर, क्योंकि अक्सर कई बार हमने देखा है सिलेक्शन कमेटी ने अंत मौके पर कई बड़े इवेंट में दिनेश कार्तिक को मौका दिया है और ये देखने वाली बात होगी कि उनका कमबैक क्रिकेट में कितना अहम होता है। वैसे साउथ अफ्रीकन टीम में जुड़े जरूर हैं वो इससे पहले भी, लेकिन वो ब्रांड एम्बेसडर बनके, ये तो बहुत ही बड़ी कमाल की बात होगी कि एक तरफ आप उस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं एबी डिविलियर्स के साथ और साथ ही साथ एक टीम जो पाल रॉयल्स है जो कि राजस्थान रॉयल्स की सहयोगी फ्रेंचाइजी है। राजस्थान रॉयल्स जैसे कि आप जानते हैं आईपीएल में बहुत ही अच्छी टीम है और उसी की सहयोगी टीम है पाल रॉयल्स जो कि साउथ अफ्रीकन टी20 में एक महत्वपूर्ण टीम मानी जाती है। तो मैंने बताया कि इनका जो करियर रहा बहुत ही शानदार रहा है और साथ ही साथ आप देखिए आईपीएल में रिटायर होने के बाद आरसीबी की तरफ से रिटायरमेंट हुए, लेकिन बाद में उनको आरसीबी का ही अगला मेंटोर और बैटिंग कोच बनाया गया है। कितनी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं इनके ऊपर। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरआर की सहयोगी फ्रेंचाइजी जो पाल रॉयल्स है उनको अपनी टीम में शामिल कर बहुत ही खुश है और उनके टीम के डायरेक्टर यानी कुमार संगकारा ने कहा कि दिनेश कार्तिक व्हाइट बॉल के बहुत ही अहम खिलाड़ी हैं। कई मौकों पर इन्होंने इंडिया टीम को विजय हासिल की है और मैं समझता हूं कि दिनेश कार्तिक का दिया गया योगदान को देखते हुए स्पेशली इन टी20 लीग, क्योंकि छोटा फॉर्मेट होता है, एक दो ओवर में मैच यू टर्न होता है और कई ऐसी पारियां रही हैं जिसमें दिनेश कार्तिक ने बहुत ही कमाल की बैटिंग की। आपको याद होगा 2019 में एक टूर्नामेंट था निदहास ट्रॉफी और फाइनल मैच था बांग्लादेश के खिलाफ भारत, ऐसा लग रहा था कि भारत हार जाएगा लेकिन वो मैच शानदार तरीके से दिनेश कार्तिक ने भारत की तरफ मोड़ा और आखिरी बॉल जहां पे 5 रन चाहिए थे शानदार छक्का लगाकर उस मैच को जिताया था। और दोस्तों मैं समझता हूं क्रिकेट जगत में तब से सनसनी फैल गई थी दिनेश कार्तिक को लेकर और नागिन डांस आपको याद होगा बांग्लादेश के जो खिलाड़ी कर रहे थे बाद में वो भारतीय टीम ने किया क्योंकि ऐसा वो मैच था। तो यही कुछ अच्छी पारियां रही और साउथ अफ्रीकन टी20 लीग में भी आप देखें तो बड़े स्टार नजर आते हैं, दुनिया के हर एक टीम के स्टार खिलाड़ी जो लगातार आईपीएल में भी खेलते हैं। आपको मैं बताऊं 100 मेंस का जो टूर्नामेंट हो रहा है हाल ही में उसमें भी खेलते हैं और साथ ही साथ बहुत बड़े टूर्नामेंट में बिग बैश लीग में भी खेलते हैं। तो ये जो क्रिकेटर्स हैं वो नजर आ रहे हैं। तीसरा सीजन है साउथ अफ्रीकन टी20 लीग का अगला और ऐसे में दिनेश कार्तिक एक अहम खिलाड़ी साबित होंगे और ये एक भारत के लिए भी गर्व की बात है, स्पेशली जो दूसरे लीग में जाके अपना अच्छा परफॉर्मेंस करें। कैसी लगी ये वीडियो जरूर हमें बताइएगा दोस्तों। क्रिकप्लेक्स हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।